हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं फरा, वो भी अपने दादी और पापा के साथ। फरा आंसी भी बना रही हैं, आंसी की दादी भी बना रही हैं, आंसी की मम्मी भी बना रही हैं। सब लोग मिलके हेल्प कर रहे हैं हमारे, और हम लोग जो है एकदम देसी तरीका से बनाएंगे फरा। उसके बाद घी में फ्राई करेंगे। आइए हम आगे एक वीडियो दिखाते हैं और चलते हैं दाल को पीसते हैं। ये उड़द की दाल है, ये करीब जो है 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। ये फूल गई है, अब इसको जो है सिल पे बढ़िया से इसका पेस्ट बनाएंगे। एक इसको सिल पे बढ़िया से पीसना है। जब तक ये पीसा जा रहा है तब तक आटा देख लेते हैं। ये चावल का आटा है, इसको चाल ले रहे हैं, चाल के इसको पीस गूंदेंगे। चावल के आटा को बढ़िया से चाल के गूंदेंगे पानी से, जिसमें कुछ डालना नहीं है, सिर्फ सादा ही गूंदना है। दाल हमारी पीसी जा रही है, बढ़िया दाल एकदम पेस्ट में तैयार हो रहा है, एकदम महीन पीस गया है ये। इसको उठा लेते हैं थाली में। इधर चावल का आटा भी गूंदा जा रहा है। ये सब उठा लिए हैं हम पीस के, इसका एक बढ़िया से पीस लिए हैं। आटा भी हमारा एकदम रेडी हो गया है। आटा एकदम रेडी हो गया है, आप देख पा रहे हैं। अब इसको बनाएंगे तो आगे वीडियो दिखाते हैं। दाल पीस के लाए हैं यहाँ पे हम चूल्हे के पास। आटा रेडी हो गया है, इस तरह जो है बनाना है, इसी तरह एक गोल गोल बना लेना हाथ से। ये दाल में डालेंगे हम, ये हींग को पानी में डाल के घोल के रखे थे, इसमें डालेंगे हींग। हींग को मिला लेंगे, इसमें जाएगा नमक, सादा नमक, स्वाद के हिसाब से नमक डालना है। इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। इसको बढ़िया से मिला लेंगे नमक और हींग को। इधर हमारी सारी पूरी बन के रेडी हो रही है। बनाएंगे कढ़ाई में, कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। अब पूरे कढ़ाई में तेल को लगाना है बढ़िया से। कढ़ाई में तेल लगा लिए हैं, अब इसको जो है भरेंगे। कैसे भरना है दिखाते हैं। इस तरह भर के इस तरह रखना है। देसी तरीका से हम फरा बना रहे हैं। आप लोग ज़रूर वीडियो देखें और कमेंट में हमको ज़रूर बताएं कैसा बना है हमारा फरा। और हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए पूरा वीडियो दिखाते हैं कैसे बनता है फरा। सब इसी तरह भर लेते हैं और इसे रख देते हैं। इसी तरह सब कढ़ाई में लगा लेंगे हम। ये हम सब भर लिए हैं और कढ़ाई में लगा दिए तेल डाल के। इसमें दो आटे की गोली डाल दिए हैं, आयंसु को बहुत पसंद है ना। चलते हैं इसको ढक देते हैं और चलते हैं इस पर चूल्हे पर लगा देते हैं। चूल्हा हमारा जल गया है, अब रख देंगे कढ़ाई। 5 मिनट पकते हुए हो गया, देखिए भाप आ रहा है। अब इसमें डालेंगे पानी, पानी हल्का डालना है, थोड़ा सा पानी, सिर्फ ये इतना है। बस हल्का पानी डालना है कि नीचे लगे ना। इसको ढक के बढ़िया से पकाना है
थोड़ा मीडियम आँच पे, आँच को कम कर देंगे, जो लकड़ी लगाए थे निकाल देंगे अंदर से चूल्हा से हम। तब इसको करीब देखो 15 मिनट पकाएंगे ऐसे ही। और हम भर के सब रख दिए, कपड़ा ढक के इसको ढक देते हैं जब तक ये वाला हमारा तैयार हो गया है। फिर इसी कढ़ाई में फिर से लगा देंगे, एकदम बन के रेडी हो गया है। इसको थोड़ा ठंडा हो जाए तब निकालेंगे, इसको चूल्हा से हटा देते हैं। ये ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे हम, जब तक चलते हैं चटनी बना लेते हैं। चटनी बना लेते हैं, इसमें डालेंगे जीरा, सिल पे पीसेंगे चटनी, इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च, और इसमें डालेंगे हरी धनिया और लहसुन की पत्ती, जो खेत की लहसुन है, ये लहसुन की पत्ती इसमें डालेंगे और सब बढ़िया से पीसेंगे और नमक, नमक स्वाद के हिसाब से। कितनी बारीक चटनी हमारी हो गई है, आप मिक्सर जार में पीस सकते हैं, मगर हम देसी बना रहे हैं देसी चीज़, तो फिर एकदम देसी स्टाइल से बनाना है, इसीलिए हम सिल पे पीस रहे हैं। सारी चटनी को बढ़िया से उठा लेते हैं कटोरी में। चटनी हमारी एकदम बनके रेडी हो गई है, देसी चटनी। चलते हैं फ्राई करते हैं, फरा को फ्राई करेंगे, वो भी घी में। फरा हमारा एकदम रेडी हो गया है और ये सेट भी हो गया, ठंडा भी हो गया। अब इसको निकालेंगे थाली में, कितना बढ़िया अपने आप से निकल जा रहा है, ये सब छोड़ दिया। इसको थोड़ा सा है देखिए नीचे क्या कैसा, ये इस तरह होना चाहिए फ्रा कढ़ाई में, ये खाने में मज़ा आता है, कुरकुरापन रहता है इसके अंदर। ये देखिए जो नीचे जो लाल है, ये खाने में मज़ा आता है। एकदम रेडी हो गया है हमारा फ्रा, ये जो नीचे लगा है ना रेड कलर का, ये पका है बढ़िया से, इसको बढ़िया से खाने मज़ा आता है, कुरकुरापन रहता है इसमें, इसलिए इसमें बनाते हैं। और ये अपना जो वैंसे के लिए गोली बनाए थे ये भी तैयार हो गया है, चलते हैं फ्राई करने के लिए। इसी तरह जो है फिर से तेल लगा करके जो बचा था हमारा फिर से लगा देते हैं, इसी तरह फिर से जो है सेट कर देते हैं, ताकि दो बार बन रहा है, ज़्यादा बनाए थे हम तो सब फटाफट लगा देते हैं, सब फटाफट लगा देते हैं कढ़ाई में, सेट कर देते हैं। जो बचे हैं इसके ऊपर भी लगा सकते हैं हम। फिर से सब सेट हो गया है, इसमें भी गोली बनाया है इनसी के लिए, ये बहुत खाती हैं आटे की गोली, ये चावल का आटा है ना, इसलिए गोली खाने में मजा आता है, हम भी खाते हैं, खाते हम भी हैं, मगर नाम इनसी बदनाम होता है कभी कभी। इसको भी चूल्हा पे लगाते हैं, फिर से वही सिस्टम से फिर से पकाएंगे। इसको चढ़ा के ढक दिए हैं, ये पकेगा आराम से, और चलते हैं जब तक जो हमारा पका था ये, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं घी और चटनी के साथ में। आ गए हम किचन में अपने, इसको करेंगे फ्राई, क्या फरा को, देखा कुछ फरा भी चूल्हे पे हमारा पक रहा है, जैसे जो बचा था एक्स्ट्रा बनाए थे उसको आ गए किचन में। हमारे पास है देसी घी, इसमें जा देसी घी, हमारा घी गर्म हो गया, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा,
ये हमारा हो गया है लाल। अब इसमें डाल देंगे फरा, जो फरा बनाए थे ये, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला। उसके बाद जो अपनी चटनी पीस कर रखे थे ये जाएगा, चटनी। अब इसको बढ़िया से फ्राई करेंगे घी में और चटनी चाट मसाले के साथ में। साथ में चटनी भी पक जाएगी उसके साथ में घी में, तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। इसको आप चटनी और सॉस चाय के साथ में खा सकते हैं। हमारा साथ फ्राई हो गया है, इस गैस करते हैं बंद, कर लेते हैं थोड़ा प्लेटिंग, उठा लेते हैं थोड़ा सा प्लेट में। एकदम रेडी है फरा मारा बन के, एकदम रेडी हो गया है। फ्राई भी कर लिए चटनी के साथ में। इसको जो है निकालिए प्लेट में, एक कांटा वाला चम्मच, जो फोक चम्मच बोलते हैं, लगाएंगे इसे इस तरह, और अब खाने के लिए एकदम रेडी है। अब चटनी सॉस टमाटर सॉस चिली सॉस जिसके साथ पसंद है उसके साथ खा सकते हैं, चाय के साथ में खा सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक यू वेरी मच। हम लोग खाते हैं फरा, और इसको जो है थोड़ा सा खाएंगे, ये टमाटर केचप के साथ में खाएंगे, बढ़िया है। अंशु कैसा बेटा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी कैसा बना है? वेरी नाइस। मम्मी भी खा रही हैं, अच्छा मम्मी, सब लोग खा रहे हैं। कैसा बना है? अब टमाटर केचप साथ में खाने में मज़ा ही आ रहा है, फ्राई भी है टमाटर केचप के, अच्छा है ना? मम्मी बोल रहे बहुत अच्छा है, फ्राई किया ना घी के साथ में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे घी करे।